वेलकम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस फॉर वुमेन नवाबशाह के डीपीडी बीएस नर्सिंग एंड पोस्ट नर्सिंग एडमिशंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को, हमें कौन से प्रोग्राम इसमें ऑफर करवाए जा रहे हैं। तो एडमिशन नोटिस जो हमारे पास मौजूद है वो डीपीटी का है, फॉर्म डी का है, बीएस पब्लिक हेल्थ साइंस का है, बीएस नर्सिंग जेनेरिक एंड बीएससी पोस्ट आरएन टू ईयर्स प्रोग्राम का है। इनकी एडमिशन स्टार्ट है 12 दिसंबर से, लास्ट डेट अप्लाई की है हमारे पास 30th दिसंबर टिल 4 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इशू किया जाएगा आपका एडमिट कार्ड जो एंट्री टेस्ट के लिए है, तो वो आपके पोर्टल पे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जैसे आप एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे तो देन वो आपके पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। और इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑनलाइन पोर्टल। रेगुलरली बेसिस पे आपने अपना फॉर्म फिल करने के बाद उसको चेकआउट करते रहना है। जो एंट्री टेस्ट की डेट और इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन है, उसकी अरेंजमेंट है, वो भी शेयर कर दी जाएंगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। डेट अभी तक एंट्री टेस्ट की इनकी अनाउंस नहीं की गई। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो स्टूडेंट के 60% मार्क्स हैं एफएससी प्री मेडिकल में या इसके इक्विवेलेंट यानी कि लेवल्स में डीपीटी फॉर्म डी एंड बीएस पब्लिक हेल्थ साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर 50% मार्क्स हैं तो वो बीएस नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट का जो वो कैंडिडेट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर देंगे उनका एडमिशन जो होगा वो उनकी कैटेगरी और सीट्स की बेस पे होगा जो कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन की जाएंगी। ऑल एडमिशन जो स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाएगा वो मेरिट की बेस पे किया जाएगा और इनके मेरिट्स जो सी हैं वो अवेलेबल है इनके प्रोस्पेक्टस पे। एप्लीकेशन और वो कैंडिडेट जिनका डोमिसल किन किन डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए उनकी भी कम्प्लीट डिटेल इन्होंने अपनी प्रोस्पेक्टस पे मेंशन की हुई है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पोस्ट आर एन ए की टू ईयर प्रोग्राम्स की, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपने डिप्लोमा किया हो जनरल नर्सिंग में 3 ईयर्स का, सेकेंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए, देन आप एलिजिबल हैं फॉर अप्लाई के लिए। या आपने मिडवाइफरी में क्या हुआ है 1 ईयर का, सेकेंड डिवीजन है आपकी, इसके साथ ही आपका 2 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए या क्लिनिकल जॉब अगर आपकी है रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल से, वैलिड आपका पीएनसी रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए, रिसेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका रिक्वायर्ड है और प्रोविजनली स्पीकिंग आपको इंग्लिश वगैरह और रीडिंग राइटिंग मतलब आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर नॉट की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोस्पेक्टस इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके साथ ही कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के बाद उसी फॉर्म का प्रिंट लेना होगा और उसको यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना होगा। आप थ्रू कॉरियर भी सबमिट करवा सकते हैं, साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपीज अटैच करनी होगी जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। एवरी कैंडिडेट कोई भी जो अप्लाई कर रहा है उसने लाजमी सबमिट करवानी है अपनी एंट्री टेस्ट की फी एंड एडमिशन प्रोसेसिंग फी जो कि 2500 रुपीज आर नॉन रिफंडेबल है। तो इन्होंने अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ है, तो आप इसमें या एचपीएल की पीएमसी ब्रांच में आप सबमिट करवा सकते हैं फी। इसके साथ ही अगर आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो एनी कैंडिडेट जो कि फेक या फॉल्स इन्फॉर्मेशन को एडअप करता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्टिव अपना सेल फोन नंबर एंड ईमेल एडअप करें। एडमिशन जो उनसे है वो इनकम्प्लीट अगर किसी का या ड्यू डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी वाया कॉरियर अगर आप सबमिट करवाते हैं और आप लेट हो गए हैं। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए फिलअप करना है आफ्टर लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि वो कैंडिडेट जिन्होंने मार्क्स इंप्रूवल के लिए अप्लाई किया था तो अगर वो अपने एडमिशन कन्फर्मेशन के बाद अपना वो रिजल्ट कार्ड सबमिट करवाते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वो कैंडिडेट जो फॉरेन से जिन्होंने अप्लाई करना है या ए लेवल्स किया तो उनके लिए कंपल्सरी है कि वो आईबीसीसी का सर्टिफिकेट सबमिट करवाएं, अदरवाइज उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी जो आपकी रिसिपियंट है, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया तो आपको वो जो टोकन देते हैं उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके साथ एनी अपडेट होगी तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, तो आप फर्दर अपडेट्स वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यू कैंडिडेट जो होंगे वो रजिस्टर पे जाएंगे, यानी कि क्लिक हियर टू रजिस्टर पे आपने क्लिक कर देना है सिंपली। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करना है यहाँ पे आपने अपना नेम, आईडी कार्ड, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, पासवर्ड एंड आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करके साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद सिंपली आप लॉगिन हियर पे जाएंगे। जैसे आप लॉगिन पे जाएंगे तो वही आईडी कार्ड नंबर एंड पासवर्ड एडअप करेंगे और साइन इन नी इन पे क्लिक कर देंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसको आप फिलअप करेंगे। प्रोसेसिंग फी को सबमिट करवाने के बाद आपका एडमिशन
कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका एंट्री टेस्ट पास होगा और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, आपके मेरिट लिस्ट में नेम आएगा, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और देन आपको अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस सबमिट करवानी होगी। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट की मेरे से कोई भी क्वेरी है एडमिशन के अबाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।